92.7 Big FM पर Big Heroes. Big Heroes. किसी की मदद करें तो उसके चेहरे की तरफ ना देखें. मुमकिन है कि उसकी झुकी हुई नजरें आपके दिल में गुरूर पैदा कर दें. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध. और आज जो मेरे बिग हीरो हैं वो पिछले 40 साल से बहुत सारे लोगों की सेवा करते आ रहे हैं एक अलग ढंग से, चुपचाप, निस्वार्थ. और वो सेवा है लोगों का मुफ्त इलाज करना, उनकी जान बचाना. और इस सेवा की सबसे खास बात जानते हैं क्या है कि ये डॉक्टर सुबह के वक्त अपनी नॉर्मल क्लिनिक चलाते हैं जिसमें वो फीस लेते हैं इलाज करने की, लेकिन शाम के 4 घंटे उनकी क्लिनिक में कोई भी आ जाए, वो चाहे पैसे वाला हो या गरीब, उसका मुफ्त इलाज किया जाता है. पिछले 40 साल से दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर कल्याण बैनर्जी की क्लिनिक चलती आ रही है. हर शाम बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं इस उम्मीद में कि उनका इलाज हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त. डॉक्टर कल्याण बैनर्जी के साथ अब उनके बेटे डॉक्टर कुशल बैनर्जी भी इसी काम में लगे हुए हैं. और डॉक्टर कल्याण बैनर्जी और डॉक्टर कुशल बैनर्जी आज है मेरे बिग हीरोज. मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर कुशल बैनर्जी. डॉक्टर कुशल बैनर्जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हम सब लोगों को डॉक्टर बैनर्जी क्लिनिक के बारे में बताएं. सो डॉक्टर कल्याण बैनर्जी क्लिनिक चितरंजन पार्क में 40 साल पहले शुरू हुआ, स्टार्टेड बाय माय फादर. पहले दिन से ही उन्होंने जो सेकंड हाफ ऑफ द प्रैक्टिस था उसको चैरिटेबल रखा. तो करीबन 4 घंटे के अंदर जो शाम का टाइम है, अगर पेशेंट्स कोई भी आ जाए, इनफैक्ट रात के 8 बजे तक कोई भी आए, एवरीवन वाज ट्रीटेड फॉर फ्री. सो नाउ दिस हैज बीन कंटिन्यूइंग ऑन फॉर अबाउट 40 ईयर्स. एंड करीबन 40 लाख प्रिस्क्रिप्शन इस तरीके के चैरिटेबली दिए गए हैं. तो इस चैरिटेबल क्लिनिक का खर्चा कैसे चलता है? सुबह के टाइम पे एक एक किस्म का नॉर्मल क्लिनिक चलता है, और उसी की फंड्स यूटिलाइज होती हैं टू कंटिन्यू द इवनिंग चैरिटेबल क्लिनिक, ताकि किसी और पे रिलायंस ना रहे. वैसे अगर देखा जाए तो अपनी रोज की आमदनी का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा डॉक्टर बैनर्जी क्लिनिक चैरिटी में खर्च कर देती है, क्योंकि आधे दिन की इनकम से ही इनके घर का खर्च भी चलता है और चैरिटेबल क्लिनिक का खर्च भी निकलता है. वाकई ऐसे लोग बहुत कुछ सिखा जाते हैं हमको अपनी कहानी के जरिए. डॉक्टर कुशल बैनर्जी, एक चीज हम अक्सर सुनते हैं कि होम्योपैथी पर लोगों का भरोसा कितना है, ये सवाल बार बार उठता रहता है. लोग कहते हैं कि भाई कोई बड़ी बीमारी हो तो होम्योपैथी अवॉइड करनी चाहिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए तो ठीक है. आपका अपना एक्सपीरियंस इस साइंस के साथ? जी, तो मैं फोर्थ जनरेशन होम्योपैथ हूँ अपनी फैमिली में. wow. और बोथ साइड्स ऑफ माय फैमिली, माय फादर साइड एज वेल एज माय मदर साइड, एक बहुत बड़े हिस्से परसेंटेज में लोगों का बहुत विश्वास है मेरे हिसाब से होम्योपैथी में. और इस क्लिनिक का ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके का रेपुटेशन हो गया है कि जब हर तरह से एक किस्म से निराशा दिखने लग जाता है, तब लोग एक लास्ट होप लेके भी आते हैं. कई सीरियस इलनेसेस जो कि आम तौर पे होम्योपैथी के लिए नहीं सोचा जा सकता है, वो इन इस क्लिनिक में काफ़ी रेगुलर बेसिस पे काफ़ी बड़े नंबर्स में ट्रीट किया जाता है. कई तरीके के कैंसर्स, ऑर्गन फेलियर्स, बहुत न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल जो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, कई वाइड रेंज ऑफ सीरियस डिजीज़ को इस क्लिनिक पे ट्रीट किया जाता है. एक पेशेंट ऐसे थे जिनका किडनी फेल हो रहा था, एंड काफ़ी टाइम से ही फेल हो रहा था. इट वाज अ स्लोली डीजेनरेटिंग प्रोसेस, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद स्ट्रिक्ट डाइटरी एडवाइस एंड आवर होम्योपैथिक मेडिसिंस, ही कम्प्लीटली रिवाइव. सो अभी हमारी भी दवाइयाँ बंद हो गई हैं एंड हिज किडनी इज फंक्शनिंग नॉर्मली. जी, क्या बात है. वैसे मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि हर दिन, बल्कि हर शाम जो चैरिटेबल क्लिनिक है डॉक्टर बैनर्जी की, उसमें 300, 400 और कई बार 500 तक पेशेंट्स आते हैं जिनका मुफ्त इलाज किया जाता है. आपको सुनवाती हूँ, कुछ पेशेंट से हमने बात की, वो क्या कहते हैं अपने डॉक्टर के बारे में. नमस्कार, मेरा नाम दीपांकर शर्मा है, मैं साउथ दिल्ली कालकजी में रहता हूँ. मैं डॉक्टर कल्याण बैनर्जी के पास लास्ट 10 साल से जा रहा हूँ. मैं जब पहली बार बीमार हुआ तो मैं पैनक्रियाटिक पेशेंट था, बहुत हॉस्पिटलाइज था. तो मेरे को किसने रिकमेंड करा, होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो वहाँ गए और लास्ट 10 साल से मैं परफेक्ट हूँ मैं अभी, ठीक है. और अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोग आते हैं शाम को, वो फ्री होता है, सिर्फ मेडिसिन के पैसे रखते हैं. बहुत गरीब लोग भी आते हैं, बहुत हाई फाई लोग भी आते हैं,
बट सबको एक ही जैसे ट्रीट करा जाता है, कोई किसी का ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो इसको ट्रीटमेंट नहीं जाएगा, सबको लाइन में ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसी को नहीं किसी को आगे भेज दिया जाए, इसलिए कल्याण बनर्जी को मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ। हेलो, मैं मनी सिंगल बोल रही हूँ, मैं नोएडा में रहती हूँ और डॉक्टर कल्याण बनर्जी के पास हम लोग काफी साल से जा रहे हैं, चैरिटेबल काम है उनका और उनकी दवाइयाँ, मैंने जितने भी पेशेंट से कभी जैसे वहाँ बहुत वेट करना पड़ता है बैठते हैं तो यही देखा कि हर कोई बहुत खुश है, तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है और हम हमेशा प्रे करते हैं कि भगवान डॉक्टर ऐसे ही सबको ठीक करते रहें जैसे हमारी प्रॉब्लम को क्योर करते हैं। मेरा नाम है संतोष खोसला, मैं GK2 में रहती हूँ। मैं 95 से डॉक्टर बैनर्जी को जानती हूँ, कल्याण बैनर्जी को, ही इज ए ग्रेट डॉक्टर। आप देखिए जाके वहाँ पे शाम को फ्री देखते हैं, वहाँ जाके आप देखिए कितने लोगों की ये मदद करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं ये, शाम को कई बार 5:30 आते हैं और रात को इनको 10:30 भी बज जाते हैं, पर ये सारे पेशेंट देख के जाते हैं, कभी मैंने नहीं देखा इनको किसी को छोड़ के जाते हों। वाकई एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ी कमाई क्या होगी कि उनके पेशेंट्स इतनी अच्छी अच्छी बातें कहें उनके बारे में। डॉक्टर कुशल बैनर्जी, कोई बहुत टचिंग एक्सपीरियंस अगर आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें। एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें एक माँ दो बच्चों को लेके आई थी एंड उन्होंने कहा कि दोनों में से किसी एक का ही ट्रीटमेंट किया जाए बिकॉज शी वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड द अदर चाइल्ड्स ट्रीटमेंट। सो हम लोग सिर्फ दवाई का वो लेते हैं, चार्ज लेते हैं, बट ऑफ कोर्स इन दिस केस वी जस्ट हैड टू जस्ट मेक इट फ्री फॉर बोथ द चिल्ड्रन। दैट्स सो स्वीट। अगर हमारे कोई लिसनर्स आपसे संपर्क करना चाहें आपकी मदद करने के लिए या किसी और की मदद के लिए या खुद के इलाज के लिए, कैसे करें? हमारा ईमेल है econsultation@drkbanerjee.com, हमारा वेबसाइट www.drkbanerjee.com और एक फेसबुक पेज भी है facebook.com/drkbanerjee। फोन नंबर दिल्ली का है 2627-4726। चलते चलते डॉक्टर बैनर्जी, हमारे लिसनर्स के लिए कोई मैसेज? आई थिंक इंडिविजुअल के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक अगर 40 साल में 40 लाख लोगों को ठीक किया जा सकता है जस्ट बाय द डिसीजन ऑफ वन इंडिविजुअल, आई थिंक वी ऑल हैव द कैपेसिटी टू डू ग्रेट थिंग्स बाय जस्ट मेकिंग अप आवर माइंड्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुशल बैनर्जी, बिग हीरो बनने के लिए और हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू और इतना अच्छा काम जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसको करते रहिए, एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारी ताकत हम लोगों की तरफ से भी मिलेगी। थैंक यू इसी के साथ आज रुचा अनुरुद को भी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज़।